नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के पेपर का अनाउंस करेंगे, यानी काफ़ी स्टेट है वहाँ पर आपका इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम भी चल रहा है और काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा है। और लेकिन मेरे भी पास से लगभग 20-30 क्वेश्चनों की आंसर की है, जो मैं अभी आपके साथ क्लियर करूँगा कि किस पेपर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए भी खुशखबरी है कि उनका पेपर भी यहीं से आ रहा है, तो आप इस पेपर का एनालिसिस करो। साथ ही अगर आपको इन पेपर की PDF फाइल चाहिए तो आप ITI CBT एग्ज़ाम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही आगामी एग्जाम से पहले, जैसे ही आज के एग्ज़ाम कंप्लीट हुई, हमने आपके साथ पेपरों का एनालिसिस किया, रोज़ इसी प्रकार पेपरों का एनालिसिस करते रहेंगे। साथ ही दोस्तों, आगे आपका अगले फेज में अगर एग्जाम है तो इसी प्रकार अन्य पेपरों का एनालिसिस करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो तथा बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करें और आपका पहला क्वेश्चन क्या आया था आज, देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था आपका फर्स्ट ईयर में, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, वो था आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो जिन बच्चों ने आज एग्ज़ाम दी है, वो अपने पेपर का मिलान जरूर कर ले कि उनका कितना क्वेश्चन सही बैठ रहा है। साथ जिनका एग्ज़ाम नहीं है, वो इस पेपर का एनालिसिस अच्छे से करके जाए, क्योंकि आपके भी यहाँ से लगभग 70-80% पेपर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए हम केल्विन ब्रिज का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, DC फील्ड कोयल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम सुपर इनेमर तांबे के तार का प्रयोग करेंगे, या राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, DC मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। तो दोस्तों, वो होती है आपके फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वो होता है आपका बाहरी ग्राउलर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आज, DC मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। क्योंकि दोस्तों, मोटर विशेषताओं को बनाए रखे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आज, और क्वेश्चन क्या था, AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, वो तो आपका कुल विद्युतीय डिग्री बराबर 180 × दोनों की संख्या, ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलने के लिए फ्यूज दर क्या होगी। तो दोस्तों, वो हो गया आपकी 25 एम्पियर। दोस्तों, ये पेपर आपका 3 तारीख को जिन बच्चों का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होता, उनको भी ये क्वेश्चन आया था। तो आप भी 3 सितंबर की बात कर रहा हूँ मैं, और आज भी ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, देख लो। अगला है, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। 3 सितंबर को ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आज आपका 24 सितंबर को सेकेंड ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा 1080 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज सेकेंडरी वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। तो दोस्तों, वो था आपका 1 स्टेपर्ड फॉर्मर की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देश है, यानी ये डायग्राम दिया था और आपको पूछा था ये कौन सी मोटर है। दोस्तों, इसमें 2 कैपेसिटर है, तो ये हो गया आपकी कैपेसिटर मोटर। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। दोस्तों, इसके लिए हम अपनाते हैं फेज विभाजन की विधि। अगला क्वेश्चन है, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, इसका कार्य सिद्धांत है लेंज का नियम, यानी आज तीनों पारियों के पेपर यहीं से पूछे गए हैं दोस्तों, तो लास्ट वीडियो में जरूर बने रहना। अगला है, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। दोस्तों, वो आपका भोजन मिक्सर। ये पेपर 3 तारीख को दोस्तों ये का ये पेपर आया था, आज भी ये पेपर है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है। दोस्तों, वो है आपका KVA। घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। दोस्तों, इसका फायदा है 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है, चाहे फिजिक्सिंग कितनी भी हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आकृति मध्य दाखवलिया रोटरी कन्वर्टर 6 भाग के 6 कार्य है। तो दोस्तों, जो कार्य पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा वितरित हेड विद्युत प्रवाह संकृत करतो। अगला क्वेश्चन है, शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इसमें डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य एक नियत गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करें। अगला क्वेश्चन है, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। दोस्तों, मोटर जनरेटर सेट का लाभ है, DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एम्पलीफायर का नाम बताइए। दोस्तों, इस एम्पलीफायर का क्या नाम है। तो इसका नाम है क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया था, एक सक्रिय घटक कौन सा है। दोस्तों, इनमें सक्रिय घटक आपका ट्रांजिस्टर।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिलिकॉन सेमी कंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है, ये 3 सितंबर को पूछा गया था और आज ही पूछा गया, इसका आएगा BY-126। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है, तो दोस्तों इस सामग्री का क्या नाम है, तो दोस्तों ये आपकी केबल बांधने वाली पट्टी। अगला क्वेश्चन है तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये आगा आपका नायलोन बंद, ये 3 तारीख को पूछा गया था और आज ही पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है, दोस्तों वो है आपका सेंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्ट्रिकल ड्राइव क्या है, तो दोस्तों वो होती है आपकी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों डीसी मोटर में BOP का पूर्ण रूप क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका बेसिक ऑपरेशन पैनल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है, तो दोस्तों वो आपका नियंत्रण ड्यूटी ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्ट है तो न्यूनतम अनुमेय एकल चरण कार्य वोल्टेज कितना होगा, दोस्तों वो 228 होगा यानी प्लस माइनस 5% अंतर होगा, ये क्वेश्चन 3 तारीख को आया था और आज भी पूछा गया है। अगला है कि शब्द से तात्पर्य कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलॉम विद्युत द्वारा मुक्त होता है, दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त नाम UPSC का पूर्ण रूप क्या है, दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा निर्बाध विद्युत आपूर्ति यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों इसका उपयोग करते हैं हम सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है, दोस्तों वो आपकी सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन पूछा पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, दोस्तों वो आपका उष्मीय शक्ति उत्पादन। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आज IE के नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंस्टॉलेशन प्रतिरोध क्या होता है, दोस्तों वो होता है 2 से 2 से अधिक मेगा ओम। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आज OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम बताइए, तो दोस्तों ये इंसुलेटर आपका सेकल इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन है वाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है, तो दोस्तों वो आपका स्पार्किंग से बचे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, दोस्तों वो हम MVA में करते हैं यानी मेगा वोल्ट एम्पीयर में। अगला क्वेश्चन है लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है, दोस्तों वो लगाया जाता है आपका ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों अभी हम आपको 40 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी कराए हैं, अब WC के क्वेश्चन अगले पेपर में आए, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार आगामी एग्जाम के पेपर को एनालाइज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करो। तो थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।